कुमुद ने तुम्हें फोन किया था क्या? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ और बातें हुई थी क्या? बेटा तुम्हें क्या लगता है? एक्चुअली मैं तो खुद को ही रास्ता ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा था उसके पास कोई आइडिया है, और ये आइडिया इस केस की शक्ल ही बदल देगा। ऐसा ही कुछ सोचा है मैंने। एक्चुअली मैंने नहीं, माँ की एक बात से मुझे ख्याल आया है। कुमुद अब बताओ भी, तुम क्या सोच रही? ये ऐसी बात है जिसकी कॉनकॉर्ड वालों को उम्मीद भी नहीं होगी। ये बात तो पासा पूरी तरह से पलट देगी, मुसीबत हमारी तरफ से भाग के उनकी तरफ जा बैठेगी। कुमुद ऐसा क्या हो सकता है? देखिए ना, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट का झूठा रजिस्ट्रेशन करवाया है, बस हमें भी एक झूठा रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं कुछ समझी नहीं दादी। हम जो हमारी डिजाइन रजिस्टर करवाना भूल गए थे, जिसका उन लोगों ने फायदा उठाया, अब हम हमारी पेटेंट रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन वो डेट उन लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट से पहले की होगी, यानी कि हम बैक डेट पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन बेटे ये तो बेईमानी होगी। नहीं पापा, हमें सामने वाले को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। जिस ढंग से उन्होंने हमारी चीज चुराई है, वही ढंग अपना के हमें हमारी चीज वापस लानी होगी। यही तरीका है उन्हें सबक सिखाने का, क्योंकि जहर को दवा नहीं मारती, जहर को जहर ही मारता है और लोहे को लोहा ही काटता है। बेटा बातें तो बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी करती हो तुम, लेकिन इस डिजाइन के पेटेंट को बैकडेट करना इतना आसान काम नहीं होगा। इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, बस सही लोगों से मिलना होगा। मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहता था बेटे, उम्मीद को थामे रखोगे तो किस्मत भी साथ देगी। उम्मीद तो थी बाबा, लेकिन उससे ज्यादा मेरी जिद थी, जो कोई ना कोई हल जरूर निकाल देती, क्योंकि मैं आपको परेशानियों में गिरा हुआ नहीं देख सकती थी। और फिर आज की बात का ख्याल भी तो मुझे मामा की बात से आया है, वो भी तो दुखी है, टूट चुकी है पापा। उन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। बेटे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ का शुक्रिया कैसे अदा करना भी मत, वरना आप दोनों रो पड़ेंगे और मैं आप लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो गर्व, अब हमें अपना ये काम जल्द से जल्द करवाना होगा। जी सर, डेफिनेटली। हाँ, और उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि ताकि दोबारा हमें चलने की भूल ना करें। थैंक यू बेटे, भगवान का दिया हुआ इतना खूबसूरत तोहफा मेरे पास था, और मुझे पता तक नहीं था। पहले तो बहुत नाराज था कि शायद भगवान ने मेरे साथ जाती की, बहुत गलती की, लेकिन अब उसका शुक्रिया अदा करता। अब देखा आज को मैंने क्या किया, पता नहीं किन किन मुसीबतों से बचाने आई है, कितनी खुशियां बरसाने आई है। ऐसी बेटी पे तो हर बाप को नाज हो, है ना? अभय, कली को भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उसे कह दो फिक्र करना बंद कर दे, उसकी बहन आ गई। बहन कहना तो दूर की बात है, वो तो कुमुद के नाम से भी नफरत करती है। दे दिया क्या मैंने तुम्हें अनजाने में? देखो ना इसे, छोड़ो मुझे। नहीं कुमुद, आपको नहीं पता पापा कितने खुश थे, अगर आप पा होती ना तो वो भी आपको ऐसे ही गले लगा लेते। I'm sorry mom, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना, मैं भूल गई थी कि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं है। कुमुद जो नहीं है उसे ना सोचकर जो है उसे देखो ना, आज तुम्हारे पास तुम्हारे पापा है जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं और जिन्हें तुम इतना प्यार करती हो, मेरे लिए यही नॉर्मल है।
और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। इसके अलावा मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। देख रही है, अपने लिए भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद माँ के सारे सुख दुख औलाद से जुड़ने लगते हैं। जब तुम माँ बनोगी तब समझ जाओगी। चलो अब कपड़े बदलो, कल सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ माँ, कल बहुत काम है। पर मैं तो आपके बॉस के बारे में सोच रही हूँ। मेरे बॉस के बारे में? क्या? कि दो दिन की छुट्टी के बाद जब आपका ऑफिस खुलेगा तो उनका मूड कितना खराब होगा, कि उन्हीं के एम्प्लॉय की बेटी की वजह से। Are you sure कि तुमने कुछ गलत नहीं समझा है? कुछ भी गलत नहीं समझा है मैम। They filed a case against us. उनका कहना है डिजाइन उनकी, वो पहले से ही रजिस्टर करवा चुके, हमने उनसे चोरी की है। मैम वो हमारे ही हथियार से हम ही पे वार कर रहे हैं। किसका नाम है? कोई लॉयर गर्व का नाम। कौन है ये लॉयर गर्व? गर्व, गर्व You mean, रेनुका ये वो ही है, वो अरे अभय का होने वाला सन इन लॉ, अभय का होने वाला दामाद, राइट? हाँ हाँ, लेटर पे कुमुद देशमुख के भी सिग्नेचर्स थे। व्हाट? यस मैम। आई नो नाउ, आई नो, आई न्यू दिस, आई न्यू दिस। मतलब इसमें कुसुम का हाथ। क्या है? ये वो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है जिस पर वही तारीख है जो होनी चाहिए थी जब हमारी डिजाइन तैयार हुई थी, और अब मैंने उन कॉन्कॉर्ड वालों पर केस डाल दिया कि उन्होंने हमारी डिजाइन को कॉपी किया। देखो इस बारे में जो भी एहतियात बरतनी थी उसमें मैंने ध्यान दिया। थैंक्स कुमुद, वी आर टोटली सेफ नाउ। मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? हम सभी इस केस को लेकर परेशान थे, किसी ना किसी को तो कोई तरकीब सूझनी थी। मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? अबे ये सब बातें सुनकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या मां? यही कि कुसुम भी इसी तरह आगे बढ़ के हमारे लिए लड़ती थी, और जब तारीफ करते थे तो साफ मना कर देती थी। आज कुसुम का ही एक अंश हमारे सामने, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना? हाँ मां, लगता है कुसुम दूसरे रूप में हमारे साथ आ गई। थैंक्स तो मुझे माँ को कहना होगा दादी, आज पापा का बिजनेस में उनकी वजह से बचा पाए। बेटा एक काम करना, कुसुम को यहाँ ही बुला ले, जैसे वो अपनी तारीफ सुनने यहाँ पे आ जाएगी। बेटा तुम कुसुम को डिनर के लिए तो बुला सकती हो। बेटे उन्हें ये बोलना जरूरी नहीं कि डिनर उन्हीं के लिए। बेटा तुम कह देना कि इतने टाइम के बाद सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, साथ में बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्या ये वजह काफी नहीं है? गुड मॉर्निंग दीदा। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग मॉम। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने जानबूझकर कुसुम के बारे में कुछ कहा है? अब कोर्ट से चिट्ठी आई, वो भी उसी के नाम पे, तो ऐसे में तुम्हें नाम किसी का नहीं। आप कुसुम को अच्छी तरह से जानते हैं, लोग कुछ भी कहें, कागज कुछ भी बताएं, लेकिन हम लोग इंसान को अपनी समझ से परखते हैं। अगर कुसुम और कुमुद नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, और आप उन दोनों को ही। कुमुद ने सचमुच इस समस्या को बहुत जिम्मेदारी से सुलझाया, और उस लड़की को इस बात पर जरा भी घमंड या गुरूर नहीं है। बहुत ही समझदार और होनहार लड़की है। इतनी अच्छी बहू तो हम भी अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ सकते थे। माँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप एक बार कुसुम से मिलते दीजिए। आप उम्र में बड़ी हैं माँ, आपका मिलना ही काफी है। चलो बेटा। देख लिया ना कुसुम,
अभय कपूर ने हमारे साथ क्या किया और तुम उन लोगों के लिए मेरे साथ एथिक्स और मॉरल्स की बातें कर रहे थे। अब ये सब जो उन्होंने किया, तुम्हें क्या लगता है? Is it ethical? It's nothing but fraud, Kusum. लेकिन मैम आप ही तो कह रही थी बिजनेस में ये सब फ्रॉड नहीं कहलाता, ये तो बिजनेस का उसूल है, सामने वाले की गलतियों का फायदा उठाना यहाँ का धर्म है। एक और बहुत अच्छी बात कही थी आपने, हाँ बिजनेस में आदर्शों की कोई जगह नहीं होती। मैम मुझे लगता है अब की तो वो हमें सबक सिखा गए, है ना? बड़ी तरफदारी हो रही है उनकी? नहीं नहीं मैम, मैं तो आपकी तरफ हूँ। मेरी तरफ रहना तो फिलहाल तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो दूर कहीं कोई लिख रहा है। ये तो दुनिया का भ्रम है मैम, अपना भाग्य तो हम खुद लिखते हैं। अच्छा हेलो, उसे निकाल दिया क्या? बस उसी की तैयारी चल रही है। मत करो। व्हाट? लेकिन मैम मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो रेणुका, हमारे नजदीक रहेगी तो हमारे काम भी आती रहेगी। क्योंकि अगर वो हमारे दुश्मनों के पास चली गई तो मेरा पुराना हिसाब अधूरा रह जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। रहने दो उसे। ऑल राइट मैम। मैम अभी आप जिनसे बात कर रही थी वो कौन थी? क्यों नहीं आवाज की एक हल्की सी झलक मिली जो जानी पहचानी लगी। नो नो, तुम उन्हें नहीं जानती। एक्चुअली दैट वाज माय बॉस। अच्छा, क्या नाम है उनका? इशिता। वो यहाँ की नहीं है, कनाडा में रहती है। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक यू नो हर। हाँ राइट, लेकिन ऐसा लगा जैसे सुन, एक्चुअली मुझे थोड़ा पेपर वर्क खत्म करना है। वी टॉक लेटर। मैम को अगर पता चल गया कि कुसुम को उनकी आवाज जानी पहचानी लगी तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, इसलिए उन्हें कुछ ना बताने में ही समझदारी है। अरे कली बेटे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ थी आप मॉम? मैं किचन में थी, वो माजी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी ना, अकेली थी तो उनकी मदद कर रही थी। पता था मुझे, इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। आप सब लोगों को उसी की परवाह है, आप सब लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। और आप भी मॉम। क्यों मॉम, आप तो जानती है कि कुमुद और उसकी माँ क्या चाहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। कुमुद ने तुम्हारे पापा की कितनी मदद की है तुम जानती हो। तुम्हारे पापा इतने बड़े, जो भी किया उसने अपने मतलब के लिए किया। आप क्यों नहीं समझती मॉम, आप इतनी भोली क्यों हो? कुमुद ने कितनी चालाकी से इस घर में अपने लिए जगह बना ली, और अगर आप चुपचाप देखती रहे तो वो अपनी मॉम को भी इस घर में ले आएगी, और आप अपने ही घर में। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ मॉम। आप देख नहीं रही कुमुद किस तरह अपनी मॉम की तारीफों के पुल बांधती रहती है? सिर्फ इसीलिए आप लोगों को उसे डिनर के लिए इनवाइट करना पड़ा। आप सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है मॉम। व्हाई? क्यों मॉम? अगर आप कुमुद की आंखों में देखोगी तो आपको पता चलेगा कि उसके इरादे क्या है। वो सब कुछ अपने मॉम के लिए कर रही है, हमें बेवकूफ बनाकर। कली प्लीज, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। ये सारे ख्याल अपने मन से निकाल दो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम बचे। आपको कैसे समझाऊं?
एक बार कुमुद ने इस घर में पाव जमा लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन कुमुद, मुझे वहां किस लिए बुलाया है? दादी ने कहा है कि आपको डिनर पे आना है तो आना है बस। क्यों, कोई खास बात है? हाय, वो लोग मुझसे बहुत खुश है इसलिए उन्होंने मेरे ऑनर में डिनर रखा है। कहा है कुसुम को भी साथ ले आना। अब आप ही बताइए, माँ को चलना चाहिए या नहीं? आए, मुझे नहीं जाना, अजीब लगता है। अरे, अगर सरला जी ने तुम्हें वहाँ बुलाया है तो तुम्हें जाना होगा। आप चल रही है, चल रही है, चल रही है, बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये तो अच्छी रही, पहले तुम इसे कहती थी वहाँ जाओ, सबसे मिलो, अब ये तुम्हें कह रही है तो तुम जाना नहीं चाहती हो? जाना तो पड़ेगा ना, आई इसकी जिद के सामने मेरी बात कभी टिकी है? थैंक यू मॉम, मैं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। रामू जरा देख लेना टेबल तैयार है, अब आ दे, माही मैडम को बुला लेना। ओके, चलिए साहब, आरती ले लीजिए। लगता है कुमुद और कुसुम आ गए। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा। आरती लो। सुखी रहो बेटा, आज फिर से तुम्हारी वजह से इस घर का एक संकट टल गया। जी वो मामा, एक्चुअली ये डिनर पार्टी आपके ऑनर में है, मेरे ऑनर में नहीं, मैंने आपको बताया नहीं था। और क्यों नहीं, होना ही चाहिए, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो मान लिया आपकी बात, ये भी मान लिया कि आप इस घर के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और आपने भगवान से दुआ मांगी और भगवान ने आपकी फौरन सुन ली। और दुनिया जानती है कि भगवान अच्छे लोगों की फौरन सुन लेता है। माही, तुम ही समझाओ इन्हें। क्या समझाओ, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, जो करनी भी चाहिए। तुम भी। अरे कुसुम बेटा। जी मम्मी। दिया बुझ गया, वहां से माचिस लाना और दिया भी जला देना। जी मम्मी जी। शायद कली ठीक कह रही है, कुसुम आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए इस घर में जगह बना रही है, जो एक बहू की होनी चाहिए। क्या इस घर की लक्ष्मी होते हुए भी मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं? मुझे वही करना चाहिए जो मेरी मांग के सिंदूर का फर्ज है, अब मैं वही करूंगी। माही, 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 जरा इधर आना। ये लो मम्मी जी, इस घर की रीत मैं नहीं भूली, घर का दिया घर की बहू ही जलाती है। ये लो।